अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टॉक यशवीन जमाल के साथ। नाज़रीन, 9/11 के बाद हमने एक नई दुनिया देखी, एक ऐसी दुनिया जिसमें कर्ब था, तकलीफ़ें थीं, दर्द थे और आंसू थे। ये सब कुछ दुनिया को पुरअमन बनाने के नाम पर किया जा रहा था। इस सारी सिचुएशन की सबसे भारी कीमत अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान को चुकाना पड़ी, तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि सबसे भारी कीमत हमारे मुल्क ने इस सारी सूरत हाल की चुकाई। हमने देखा कि अमन शायद हमारे मुल्क से उस टाइम पर रूठ गया, और जो सिचुएशन थी वो इतनी बुरी थी कि हर रोज़ धमाके होते थे, हर शहर शहरे बेअमां था, दर्जनों शहादतें हर रोज़ रिपोर्ट होना एक बहुत मामूल की बात, एक नॉर्मल सी बात हो गई थी, जहाँ पे हम ये देखते थे कि पूरा पाकिस्तान, पाकिस्तान के सारे सूबे, तमाम शहर अफेक्टेड थे सारी सिचुएशन से। वहीं पर अगर स्पेशल मैंशन किया जाए तो खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा अफेक्टेड था। फूलों का शहर पेशावर खौफ की अलामत हम देख रहे थे कि उस वक्त बन गया था। इसी शहर में 16 दिसंबर को 150 फूल हमने देखा कि मसले गए, जिसकी शायद दुनिया की तारीख में कोई मिसाल ढूंढने भी तो नहीं मिलती। इसी शहर की बात करें तो वहां पर एक ऐसा खानदान भी था जिसने सबसे भारी कीमत इसाई सिचुएशन की चुकाई अदा की, और यह था बिलौर खानदान। दहशतगर्दों ने हर मुमकिन कोशिश की कि इनके हौसले को तोड़ा जाए, लेकिन यह खानदान डट कर सीना ताने खड़ा रहा। और जहां भी कहीं पर दहशतगर्दी का कोई वाकया होता था, हम ये देखते थे कि मीडिया से पहले, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से पहले, ये लोग वहां पर मौजूद होते थे और वहां पर ना सिर्फ लोगों की मदद कर रहे होते थे, उनका दुख शेयर कर रहे होते थे, बल्कि बहुत सारी चीजों को वहां पर हम देखते थे कि हैंडल भी कर रहे होते थे। आज यौमे पाकिस्तान है, 23 मार्च है, जहां पूरा मुल्क जोश और खरोश से इस दिन को मना रहा है, वहां हमने सोचा कि आज इसी खानदान के साथ आज के इस दिन को मनाया जाए, इनसे कुछ माजी की यादें ताजा की जाएं, किस तरह से अब ये दिन ये लोग मनाते हैं, क्या यादें होती हैं आज के दिन से वाबस्ता, ये इनसे जाना जाए। हमारे साथ एक शहीद की वालदा, एक शहीद की अहलिया इस वक्त मौजूद हैं, और इनसे जानेंगे कि पहले तो इस खानदान ने यह साबित कदमी का मुजाहरा कैसे किया, और जैसे मैंने कहा कि आज का दिन ये लोग किस तरह से अब मनाते हैं। हमारे साथ शहीद हारून बिलौर की अहलिया समर बिलौर मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जी। और हमारे साथ बशीर बिलौर की शहीद की अहलिया और हारून बिलौर शहीद की वालदा निगत बिलौर भी मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं समर, अगर आप ही से गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, आज के दिन जैसे 23 मार्च है, पाकिस्तान डे है, जहाँ पूरा मुल्क मनाता है, वहाँ पर जो पोलिटिकल फैमिलीज़ होती हैं उनके लिए बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, शहीदों का ख़ानदान है आपका, पहले के दिन कैसे मनाते थे, कोई फ़र्क फील करते हैं अब? देखिए, फ़र्क तो लाइफ ही बदल गई है हारून के जाने के बाद, स्पेशली अंकल की शहादत भी हमारे लिए बहुत बड़ा सानहा था, लेकिन फिर भी उस वक्त हमारे जिसको कहते हैं ना बाजू मजबूत थे। हारून हमारे घर का लास्ट सर्वाइविंग, जिसको आप कह सकते हैं मेल सरबरा था, तो उसका जाना और जिस तरीके से वो गया है, जिस वाक़यात में, मतलब एक इनोसेंट जो उसकी लाइफ गई है, तो ऑफ कोर्स हमारे लिए अब लाइफ पहले की तरह रही नहीं, सेलिब्रेशन कोई भी पहले की तरह नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम यौमे पाकिस्तान अगर आउटवर्डली नहीं सेलिब्रेट करते, दिल में खुश हैं अपने मुल्क के क़याम के लिए, मतलब वी आर हैप्पी दैट वी आर लीडिंग अ फ्री लाइफ इन आवर कंट्री, बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव पेड अ वेरी हैवी प्राइस फॉर दिस फ्रीडम। हाँ, आप जैसे मैंने आगाज़ में कहा कि इस खानदान की आप तो बहादुर हैं ही, लेकिन मेरे साथ एक और बहुत बहादुर खातून, क्योंकि पहले शी लॉस्ट हर हस्बैंड, उसके बाद फिर बेटा। मैं निगत बिलौर साहिबा, किस तरह से, जैसे मैंने समर से कहा कि जाहिर है ये सवाल अगर करूं कि कोई फ़र्क महसूस करती हैं, तो जाहिर है बहुत बड़ा फ़र्क महसूस करती होंगी, किस तरह से कंपेयर करती हैं उस वक्त जो कुछ था और आज जो कुछ है? ये देखें, खुशी और गम के जो फ़र्क है वो तो आप लोग सब जानते हैं, लेकिन चूँकि हम एक मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तानी होने से ही हमारी आइडेंटिटी है, तो ज़रूरी बात है कि ये दिन हमारे लिए भी बहुत खुशाइंद भी है और काबिल फ़ख्र भी है कि हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। और कुर्बानियाँ तो हमने भी दी और हमसे बहुत पहले उन्होंने भी दी जिन्होंने ये वतन हासिल किया और हम लोगों को एक फ़्री किंगडम या फ्री लैंड आप कहीं प्रोवाइड की, लेकिन कुछ गम मेरा भी कम नहीं है। लेकिन ये दिन मैं ऐसे ही मनाना चाहूँगी कि खुदा हमारे मुल्क को सलामत रखे, इसकी खुशहाली, और अल्लाह इसको दहशतगर्दी से, और इस वक्त जो हमारे सर पे जंग के बादल छाए हुए हैं, अल्लाह इससे हमारे वतन को, हमारी सब फौजी भाइयों भाइयों को, बच्चों को, सब शहरियों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बल आप लोगों के तवासुत से मैं ये कहूँगी कि ये दिन भारी भी बहुत है, क्योंकि हमेशा यौम पाकिस्तान हारून अपने छोटे भाई उस्मान के साथ बहुत जोश व खरोश से मनाता था। हमारे घर के ऊपर वो लाइट्स लगाते थे, झंडियाँ लगाते थे, सारे सर्वेंट्स के लिए किसी न किसी फॉर्म में कोई झंडे या ग्रीन टोपियाँ या कुछ वो ला के देता था।
बशीर, चूँकि हम हमारी पार्टी पे तो एक ये भी एलिगेशन था कि हम लोग एंटी पाकिस्तानी हैं, लेकिन बशीर के तवसुत से मैं ये कहूँगी कि इस वक्त केपी का जो सबसे बड़ा झंडा था जो जिन्ना पाक में लगाया गया, वो बशीर ने अपने दौरे वजारत में या अपने टेन्योर में लगाया, जो अनफॉर्चुनेटली फिर मौजूदा हुकूमत को पसंद नहीं आया तो उन्होंने उतार दिया। और हम सब पाकिस्तानी हैं और दिल से अपने पाकिस्तान की हिफाजत भी करना चाहते हैं और दुआ भी करते हैं कि अल्लाह इसको भी सलामत रखे और तमाम जो शहीद हैं अल्लाह उनकी भी मग़फ़रत करे। लेकिन आपके चैनल से मैं दो बातें कहना चाहूँगी, आई डोंट नो कि आइदर इट इज़ रिलेटेड विद दिस थिंग और नॉट। एक तो यह है कि तमाम शहीदों को खराज तहसीन पेश किया गया, एक दुनियावी मेडल आप जिसको कहें, चाहे उसको सिविल अवार्ड्स का नाम दे दें या जो भी दें, इसमें हारून का नाम एलिमिनेट किया गया है, जिससे मुझे बहुत सदमा भी हुआ है और मौजूदा हुकूमत से मेरा गिला भी है। सोशल मीडिया पे भी इसके ऊपर बड़ा मेडल दिया है कि उसे शहीद का टाइटल तो कोई भी नहीं छीन सकता, लेकिन यह है कि हमारी कंपेंसेशन तो नहीं होती, लेकिन ये होता कि एटलीस्ट उसकी शहादत को एक्नॉलेज किया गया। दिल बड़ा होता आप लोगों का अगर, क्योंकि 6 सितंबर को योम है। दिल बड़ा असल में हुकूमत का नहीं है, हमारे तो दिल बड़े ही हैं, हमने सर झुका के जो अल्लाह की रजा थी उसके आगे हमने सर झुका दिया है। लेकिन मैं तो मुतालबा बिल्कुल नहीं करती, जिन लोगों के दिल इतने छोटे हों उनसे मैं क्या मुतालबा करूं। लेकिन जैसे आंटी कह रही हैं, एटलीस्ट एक बहुत बड़ा ये एक सानहा हुआ है, एक फैमिली में 5 साल के अंदर 2 दफ़ा ये वाकया हुआ है, फॉर फाइटिंग अ वॉर विच वॉज़ नॉट जस्ट आर पर्सनल वॉर, इट वॉज़ अ वॉर ऑफ द कंट्री। तो अगर वो ये नहीं फील करते कि हारून की जो कुर्बानी है उसको वो किसी तरह का एक नाम या रिकग्निशन दें, तो ये उनका तंगदिली आई थिंक इससे जाहिर होती है। नहीं, लेकिन पाकिस्तान के लोग जो हैं वो कम से कम तंगदिल नहीं है, क्योंकि मैंने देखा कि बड़ा प्रोटेस्ट इसके ऊपर सोशल मीडिया पे भी बड़ी बात रही है कि ऐसा क्यों नहीं, ये गलत है, ये होना नहीं होना चाहिए था। अच्छा समर, बड़ा लॉस है पर्सनल लेवल के ऊपर तो आपका ऑफकोर्स हम लोग अंदाज़ा भी नहीं कर सकते, कौन कौन से ऐसे मौके आए बाद में जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर आपने कमी महसूस की? सो डेली ऐसे कोई मैं आपको स्पेशल मौका नहीं कहूँगी, वो तो लाइफ है, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो आगे बड़े मौके आएंगे, बच्चों की खुशियाँ इंशाल्लाह देखने का मौका आएगा, तो वो सारी चीज़ें बड़ी इनकम्प्लीट होंगी हारून के बगैर। लेकिन जो डेली लाइफ में आप करते हैं, जो बच्चों की छोटी छोटी बातें होती हैं जिस पे आप या खुश या खफा हो जाते हैं, तो आपका वो पार्टनर ही नहीं होता शेयर करने के लिए और टू डिस्कस, और जो आपकी एक लाइफ में एक डिस्कशन होती है, सो लाइफ इज सडनली मच मोर साइलेंट साइलेंट आफ्टर हिम। आपने सियासत में आने का फैसला किया, एक्टिव पॉलिटिक्स में, जाहिर है घर में एक आप एक सियासी घराने से आपका ताल्लुक है, आपकी इर्द-गिर्द सियासत थी, लेकिन आप खुद एक्टिवली आई, पार्टिसिपेट किया पॉलिटिक्स में, हयात होते और उनसे ये कहती तो क्या मान जाते? एक्चुअली हमने इस टॉपिक पे इतना डिस्कस नहीं किया था, बिकॉज हारून वॉज द पोलिटिकल फेस ऑफ आर फैमिली, और फिर घर, बच्चे, फैमिली और जिम्मेदारियां भी थी, लेकिन हमने कभी ये सोचा भी नहीं था कि ये चीज़ हो सकती है। मतलब बशीर अंकल की शहादत से पहले उन पे बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए थे, वो बड़े फ्रंट लाइन में थे, तो ये एक माइंड में खदशा रहता था उनके बारे में कि कोई हादसा ना हो जाए, कोई अटैक ना हो जाए, कोई इस तरह का सानहा ना हो जाए। हारून के बारे में तो ये कभी हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो क्या कहते, लेकिन जो डिसीशन हमने लिया है, मैंने, मेरी सास ने, मेरे बच्चों ने, हमने मिल के एज अ फैमिली ये डिसीशन लिया, ये इंडिविजुअल का डिसीशन नहीं था। हम 2 औरतें और 2 बच्चे ही रह गए थे, तो हमने सोचा कि ठीक है, हम बड़ा हमने फील किया कि हम किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते हारून की डेथ के लिए, हम FIR भी नहीं दर्ज करा सके, मतलब हमें पता ही नहीं है नेमलेस फेसलेस वो कौन सा दुश्मन है जिसने हमारे घर की खुशियां छीन ली हैं। तो मेरे बच्चों ने कहा कि ये हमारा रिवेंज होगा कि हम खाली ना छोड़ें इस स्पेस को, खाली इस स्पेस को खाली ना छोड़ें, ये हमारा प्रोटेस्ट होगा। और आई थिंक पेशावर के लोगों ने हमारे इस प्रोटेस्ट को एक्नॉलेज भी किया और उसको बहुत इज्जत भी दी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपका और आपके बच्चों का एक बहुत ब्रेव डिसीजन है ये मैं कहूंगी। निगत साहब, जैसे इन्होंने भी कहा अभी कि बशीर बिलोर साहब जो है वो बड़े फ्रंट लाइन पर रहते थे, एज अ वाइफ कितना कंसर्न्ड होती थी, उनको कभी रोका आपने? बहुत रोका, लेकिन वो दिल के मुसलमान थे, ये नहीं है ना कोई लफाजी है, ना ये कि ये सोशल मीडिया के सामने मैं बात कर रही हूँ। वो मुझे कहते थे तुम ये नमाजें पढ़ती हो लेकिन दिल से मुसलमान बनो, तुम नहीं मरोगी, मौत को कोई रोक सकता है?
लेकिन उनको एक बहुत शौक़ था और ये उसका वो था कि मैं शहीद हो जाऊँ। मुझे कहते थे कि देखिए तुम्हें पता है कि शहादत का क्या दर्जा है, तो बस उसके मैं अपने दिल में ये सोची थी कि मरना तो बाकी हर इंसान ने, एटलीस्ट उसको एक ऑनरेबल डेथ मिली, सो विद हारून, उसको भी खुदा ने एक शहादत भी दी, लोगों ने भी उसको बहरहाल बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत की। नो बट अगेन आफ्टर आप यू लॉस्ट योर हस्बैंड, अपने शोहर को खोने के बाद मना नहीं किया आपने बेटे को? जाहिर है एज अ मदर आपके लिए वो कंसर्न और बड़ा हो गया होगा। जिंदगी में किसी चीज़ पे मेरा हारून के साथ तकरार नहीं होती थी एज अ चाइल्ड। जब वो कॉलेज में आया तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसे एडवर्ड्स कॉलेज में ये ANP का झंडा लगाया था, तो मैं उसको रोकती थी, मुझे कोई शौक़ नहीं था कि ये सियासत में जाए, लेकिन उसका अपना पैशन था। और वो फिर वही बात अपने बाप वाले जुमले रिपीट करता था कि अम्मी जी मौत तो आनी है और ये मैं अपने बाप की लेगेसी ऐसे नहीं छोड़ूंगा, आई वॉन्ट टू कंटिन्यू इट। और बस लेगेसी के साथ साथ उससे बाप की मौत भी अपनाई, उसी अंदाज में वो भी शहीद नहीं। लेकिन आप कह रही हैं कि जाहिर है वो खौफ आपके दिल में रहता था पहले हस्बैंड के लिए, फिर बेटे के लिए, आपने फिर वो लेगेसी आगे भी पास ऑन कर दी अपनी बहू को, आपने इनको नहीं रोका, वो कह रही है कलेक्टिव डिसीजन। जैसे सबर ने कहा जी, ये एक हमारा रिवेंज भी था, और आप जो भी इसको कहें, हम नहीं चाहते थे कि हम ये अपने लोगों को ये खदशा ना हो कि भाई हारून के बच्चे बहुत छोटे हैं और ये औरतें हैं ये डर गई हैं या ये भाग गई हैं। बहुत लोगों ने मुझे कहा, फैमिली मेम्बर्स ने कहा कि वो तो बची है, तुम तो बची नहीं हो, अभी बेनज़ीर पेशावर से नहीं जीत सकी तो औरतों को कोई वोट नहीं देगा। ये था, ये खौफ मुझे भी था। इसको मैंने ये कहा, मैंने कहा बेटे बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ द थिंग्स, हार भी है जीत भी है, लेकिन हम डट के मुकाबला करेंगे। और मैं शुक्रिया अदा करूंगी अपने पूरे शहर के बहनों भाइयों का, सबका, और साथ अपनी सारी अपोजिशन जमातों का, जो अगर सारे जो पॉलिटिकल हमारे अलाइंस थे जिन्होंने इलेक्शन में हमारी ही तरह खड़े होकर हमारे साथ सपोर्ट इसको किया, और अल्लाह की मेहरबानी थी तो हमने ये सीट जीती। लेकिन हमारे दिल में यही बात था कि कोई ये ना समझ ले कि भाई अब बशीर बिलोर की फैमिली में सियासत ख़त्म हो गई, सियासत ख़त्म हो गई। तो आप लोग वो उस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहते थे, और ये शुक्र है ये बड़े ऑनरेबल तरीके से चला रही है, आई एम प्राउड ऑफ हर, वो तो कि ये बहुत ब्रेवली फेस करती है और बहुत रिस्पेक्टेबल वे से। ठीक है, पठानों की बेटी है, पठान है, लेकिन जो हमारे अपने सूबे की रवायात हैं उसमें अपनी चादर और चार दीवारी का तहफ़ भी करना जानती है और डट के असेंबली में मुकाबला भी करती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अभी इनसे पूछेंगे कि वो जो अभी क्योंकि एक्टिव पॉलिटिक्स में जाहिर है अभी इन्होंने कदम रखा है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा है, ऑफ कोर्स उस कल्चरल बैरियर के अंदर रहते हुए, लेकिन थोड़ा सा उस दिन के बारे में भी आपसे जानूंगी। बट एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं व्यूअर्स, यहाँ पे ब्रेक से वापस आके मजीद कुछ बात करेंगे इन दो बहुत बहादुर खवातीन से हमारे साथ। जी वेलकम बैक नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं हम बात कर रहे हैं समर बिलोर और निगहत बिलोर साहिबा से, और ब्रेक को जाने से पहले जैसे मैंने समर कहा था कि बहुत सारे और इश्यूज पर भी आपसे बात करूंगी, लेकिन उस दिन जब ये दिल दहला देने वाली खबर आई तो हमें याद है कि हमें भी अपने टेलीविजन चैनल्स पर बैठे हुए उस वक्त समझ नहीं आ रहा था और हर कोई ये दुआ कर रहा था कि ये खबर इतनी ही यहाँ तक महदूद रहे कि वो जख्मी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाद में हमने देखा कि एक और खबर भी आई। उस खबर के साथ जुड़ी हुई एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट खबर आपके बेटे के हवाले से भी कुछ चैनल्स ने पहले रिपोर्ट कर दी, लेकिन बाद में हमने देखा कि जिस बहादुरी से वो बता, मैं आपके आपसे पहले सुनना चाहती हूँ कि उस दिन आपको कैसे खबर मिली, घर पे क्या रिएक्शन था, दानियाल आपको बताकर गया या वैसे ही चला गया था? ये दानियाल तो हारून के साथ ही होता था इलेक्टोरल कैंपेन में, और मैं और आंटी औरतों की कैंपेन चला रहे थे हारून के लिए भी। सो आई थिंक इस वाक़े से एक घंटा डेढ़ पहले हम लोग घर आए थे और हम सारी फैमिली की ख़वातीन इकट्ठे बैठ के हम डिनर कर रहे थे, वो भी हमारी तरह कैंपेन से ही वापस आई थी, तो हम लोग आपस में जैसे फैमिली इकट्ठी होती है एक लाइटर मूड में, और कैंपेन भी बहुत अच्छी जा रही थी, वेल रिसीव्ड। तो हमें इतला आई कि पेशावर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, तो ये सुन के भी मुझे ये नहीं कभी फील हुआ कि ये मतलब हारून के किसी जलसे पे होगा। और फिर जब पता चला कि हारून के ऊपर हुआ है तो हम घर से लेडी रीडिंग हॉस्पिटल भागे, और उस 6-7 मिनट्स में हम जितनी दुआएं कर सकते थे और जितनी मन्नतें मांग सकते थे वो हमने की। हॉस्पिटल पहुंचते साथ हमें खबर मिल गई कि हारून इज़ नो मोर, एंड दानियाल को मैंने उधर देख लिया था। उसके बाद मेरी हालत नहीं थी कि मैं कोई टीवी देखती या मैं कोई ख़बरें देखती, लेकिन मेरा जो छोटा बेटा था वो इस्लामाबाद में था और वो अकेला था, उसने अनफॉर्चुनेटली जो भाई का भी देख लिया, तो वो बहुत एक वाइल्डली अपसेट स्टेट ऑफ माइंड में पेशावर आया था, वो अकेला आया था। बाद में मुझे फील हुआ कि बहुत इरिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग थी और
मतलब बहुत सारे लोग इस बात से बहुत अपसेट हो गए थे, तो बगैर कोई फैक्ट्स वेरीफाई किए हुए या वो करने का, लेकिन मैंने खुद ये शुक्र है न्यूज़ नहीं देखी, लेकिन आपके लिए कि आपने उनको खुद देख, मैंने दानियाल को हॉस्पिटल में देख लिया था, तो मेरे ऊपर तो एक क़यामत गुजर रही थी, ये चीज मैंने नहीं फील उस वक्त नहीं, लेकिन बाद में तो आपको पता चला होगा बाद में आपको मेरे बेटे ने नारेबाजी की और वो तो बाहर निकला। सो देखें जी, ही ये आप चीज़ें सिखा किसी को नहीं सकते, वो एक माहौल में बड़ा हुआ था, वो ऐसे दादे के साथ, ऐसे वालिद के साथ कि उनके खून में ये है, उनके बिहेवियर में ये ब्रेवरी है। दानियाल ने वो सारी बातें हमसे मिले बगैर की थी, मतलब देयर वाज नो टाइम टू गाइड कोच हिम या मेक हिम अंडरस्टैंड, लेकिन बस आप बच्चों को, आई एम आस्किंग यू कि आपके लिए बाद में जब आपको पता चला कि दिस इज हाउ ही रिएक्टेड, तो एज अ मदर आपकी उस वक्त क्या फीलिंग थी? आई वाज वेरी प्राउड, आई वाज वेरी प्राउड ऑफ हिम, एंड आई वाज आल्सो वेरी प्राउड कि उसने इतने, दानियाल एंड हारून बहुत ज्यादा क्लोज थे, क्योंकि हमारी कम उम्र की शादी थी, तो ये दोनों जैसे भाइयों की तरह इनकी आपस में दोस्ती थी। और डिस्पाइट ये कि मतलब हमारी पार्टी के जो नौजवान थे वो काफ़ी मुश्तैल थे, तोड़ फोड़ करना चाह रहे थे, जलाओ घेराओ, तो दानियाल ने उन सबको कंट्रोल किया। और इस बात से मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है कि आपको फ़ील होता है कि जो मैंने 20 साल स्ट्रगल करके अपने बच्चे को बड़ा किया, तो कभी कभी फिर उनकी परवरिश में आप ऐसी चीज़ देख लेते हैं। I raised him right, मतलब yes, you feel a little that I've done something correct. तो वो एक, of course, I'm sure, as a mother, जब आपको पता चला होगा तो you were very proud. आपको हारून से, हारून बिलोर शहीद से कोई आखिरी कॉन्वर्जेशन, कोई बात, आखिरी मुलाकात क्या है? जी, आखिरी मुलाकात उसकी डेथ वाले दिन ही तकरीबन 5:30 मेरी हुई बड़े हाजी साहब के घर। ये उस वक्त खाना खा रहा था, ये अपनी रूटीन में आया, मुझे प्यार किया, ही हग्ड मी, किस मी, और मैंने कहा, कहते आप खाना खाएं, मैंने कहा नहीं, मैंने तो बेटे 5:00 खा लिया है। इतना इसे मुझे ज़रूर कहा कि अम्मी आप आज ज़रूर मेरा, आप तो फेसबुक पे फॉलो कीजिएगा, मेरा आज जलसा बहुत शानदार है और बहुत अच्छी सेलिब्रेशंस होंगी। अब मुझे ये नहीं पता था कि उसकी मौत की सेलिब्रेशंस हैं, और मैं अपनी बहन को कह रही थी कि ज़रा मैं वज़ू करती हूँ तो तुम ज़रा फेसबुक पे लगाओ कि देखते हैं कि हारून ने कहा था 11:30 मेरा जलसा स्टार्ट होगा, तो उससे पहले ये न्यूज़ आ गई, ये खबर आ गई। उन्होंने आखिर में आपको यही कहा था कि मेरे इस जलसे को मॉनिटर कीजिएगा। अच्छा, जैसे मैंने अभी इब्तदाई में भी कहा था कि पूरा मुल्क ही उस वक्त दहशतगर्दी की लपेट में, हमने एक बड़ा टफ टाइम गुजारा है एज अ कंट्री ऑल्सो, फिर पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा, वो भी अफेक्टेड था, लेकिन अगर हम इंडिविजुअल लेवल पर आकर बात करें तो बिलोर फैमिली बहुत स्पॉटलाइट में रही, अनफॉर्चुनेटली इस इशू को लेकर। पहले बशीर बिलोर साहब जो है वो टारगेट पर है, उसके बाद आप लोगों के साथ ये इंसिडेंट हो गया, कभी सोचा इस बारे में बैठ के कि हम ही क्यों? जी बहुत सोचा है, लेकिन जवाब नहीं मिलता, कहाँ से मिले? देखिए, ये तो अब दहशतगर्द जो हैं, जैसे हर कोई यही कहता है कि भाई ना उनका कोई मज़हब है, ना उनका कोई ईमान है, कोई ज़ाती दुश्मनी हमारी किसी के साथ न थी ना है, और बस शायद ये अल्लाह को ऐसे मंजूर होगा, और तो कुछ नहीं कह सकते हम। महसूस तो करते हैं बहुत, हर नमाज का दुआ करके कहते हैं कि रमिया बस अब आगे हमें और आजमाइशों से बचा लो। दानियाल मुझे इतना अजीज है, बल्कि हारून से मुझे दानियाल बहुत ज्यादा अजीज, लेकिन उसके अंदर भी लगता है कि पॉलिटिक्स, एक्टिव पॉलिटिक्स ही बकाया है। अभी भी मैं उसको बड़ा आने बहाने रोकती हूँ, पेशावर ही गया हुआ है, मैं रोकती हूँ, मना करती हूँ, अभी भी पेशावर ही गया हुआ है, क्योंकि हल्के में कोई वो फौतगी हो गई थी, वरना तो हमने रिक्वेस्ट की थी कि आज वो वाज सपोज्ड टू बी हियर आल्सो। तो अब दानियाल अनफॉर्चुनेटली हैज हैड टू टेक ऑन द रोल ऑफ एन एल्डर पर्सन एट अ वेरी यंग एज, तो उसकी चाइल्डहुड उससे छीन ली गई है, जिसका मुझे सारी उम्र अफसोस रहेगा, और वो बहुत बहादुरी से, बहुत जिम्मेदारी से सब कुछ फेस कर रहा है, लेकिन ये उसका टाइम नहीं था ये सब कुछ फेस करने का, अभी तो उसके बहुत हंसने खेलने के दिन थे। तो एज अ मदर मुझे ये इस चीज़ का रिग्रेट है कि वक्त से बहुत पहले उस पर बहुत जिम्मेदारियों का बोझ आ गया। कितना है, अगेन द सेम क्वेश्चन, कि जो कुछ आप लोगों ने फेस किया, डू यू स्टिल हैव द हार्ट कि अगर वो एक्टिव पॉलिटिक्स कर भी रहा है, जैसे आपने कहा करना चाहता है, तो आई एम डूइंग आल्सो, द हार्ट इज देयर। आई थिंक जब वो इस तरह का हमला करते हैं तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग अस रन अवे, दे मेकिंग अस स्ट्रॉन्गर। तो हारून फॉर डिड द थिंग विच वॉज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, लेकिन मैंने और दानियाल ने वो काम किया जो हमसे एक्सपेक्टेड नहीं था, मतलब एक औरत और एक बच्चा खड़े होके इस चीज़ को काउंटर करेंगे, नो बडी एक्सपेक्टेड, बट वी डिड इट बिकॉज समटाइम्स यू फील यू हैव नथिंग टू लूज।
तो आप उस स्टेज पर आ गए. व्हाट वाज योर लास्ट कॉन्वर्जेशन विद योर हस्बैंड? आपको याद है कि आपने उनसे आखिरी दफ़ा क्या बात की थी? सो जस्ट समथिंग रिगार्डिंग द इलेक्शन कैंपेन एंड ऑल्सो जो मेरी फेवरेट बात थी कि रात को घर जल्दी आ जाएं. तो एक पॉलिटिशियन की वाइफ की ऑफ कोर्स ये फेवरेट बात हो सकती तो, है. तो और उन्होंने वादा किया था कि मैं जल्दी ही आऊँगा एंड True to his promise, he came back home much earlier than normal. Than normal, but unfortunately not yes. the way that not you the way would that have we wanted, thought yes. or expected. मुझे कॉल ब्रेक लेनी है. ब्रेक से वापस आके थोड़ा सा समर से पूछेंगे कि आप एक्टिव पॉलिटिक्स में क्या समझती हैं, कि ख़वातीन क्या किरदार अदा कर रही हैं, इनको क्या महसूस होता है कि जितना ये कर रही हैं क्या काफ़ी कर पा रही हैं, क्या बैरियर्स हैं, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ. जी वेलकम बैक नाज़रीन. ब्रेक पे जाने से पहले जैसा कि हमने कहा था समर आपसे पूछने के लिए कि एक तो ये कि जैसे भी निगत साहिबा ने भी कहा कि जब आप लोगों ने कंटेस्ट किया तो एज अ वुमन फिर वहाँ पे जो इस वक्त इन्वायरमेंट था कहीं ना कहीं ये डाउट या ये खौफ तो दिल में हुआ होगा कि अगर ना हुआ तो क्या सूरत हाल होगी. तो था उस टाइम पर या यू वर कॉन्फिडेंट? देखिए जी हमें जो हमारी पार्टी के वर्कर्स हैं उन्होंने इस कदर सपोर्ट किया और इस कदर उन्होंने हमें हिम्मत दी दैट ये जो विक्ट्री है ये मेरी विक्ट्री नहीं है, ये हमारे PK-78 के अवामी नेशनल पार्टी के वर्कर्स की विक्ट्री है. उन्होंने एक्चुअली कहा था कि आप घर बैठ जाएं, हम आपके लिए सब कुछ करेंगे, हम भागेंगे दौड़ेंगे, हम कैंपेन चलाएंगे. बिकॉज एट दैट पॉइंट इन टाइम मैं इतनी अपसेट थी कि अपने आप को गैदर करना और सिर्फ एक कैंपेन ही चलाना मुझे बहुत एक नामुमकिन बात लग रही थी. औरत और आदमी की बात नहीं थी, मुझे पता था कि मुझ में वो सलाहियत है कि आई कैन वर्क फॉर देम, लेकिन अपने आप को गैदर करना मुझे उस वक्त ज़रा मुश्किल लग रहा था. तो ये बात हमने सुनी थी लेकिन मुझे कभी इस चीज़ को जितलाया नहीं गया. और इनफैक्ट औरत हो के हमारे वर्कर्स ने मुझे एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट, एक्स्ट्रा केयर, मुझे सब बाजी कहते हैं, मुझसे जो बड़े हैं वो भी मुझे बाजी ही कहते हैं. और बहुत अपनापन और एक मैंने ये जो एक बहुत बड़ा स्टेप लिया लेकिन एक बड़े कम्फर्टेबल इन्वायरमेंट में, इनेबलिंग एनवायरनमेंट में ये स्टेप लिया. एंड ऑफ कोर्स फैमिली के जो बड़े थे, मेरी सास गुलाम बिलोर साहब, तो उन सब ने फिर मेरा हाथ पकड़ के इस चीज़ की तरफ मुझे लेके गए. तो इस तरह इट बिकेम अ लिटिल इजियर टू डू. अच्छा गुलाम बिलोर साहब की भी आपने बात की, बशीर बिलोर साहब की शहादत के बाद हमने उनको बड़ा उस वक्त स्ट्रॉन्ग भी पाया, हमें लगा कि उनके अंदर अभी भी वो एलिमेंट मौजूद है. हारून बिलोर साहब की शहादत वाले दिन हम लोग वहाँ पर गए थे और मेरी उनसे भी मुलाकात हुई थी. उस दिन मुझे वो शैटर्ड लगे, मुझे लगा कि उन्होंने मुझे बार बार कहा कि मेरा बाजू चला गया और अब पता नहीं मैं किस तरह से मैं क्या करूँगा. उसके बाद जब समर ने ये डिसीजन लिया तो क्या वो भी फुली ऑन बोर्ड थे आप लोगों के साथ, लाइक फैमिली के जो मर्द हजरात हैं मैं उनकी सपोर्ट का वो कह रहे थे कि ये लड़की है, माशाल्लाह जवान भी है, खूबसूरत भी है. फिर वही बात, वो उनका रिपीटेड ये था कि देखो हमारे हलके के लोगों ने बेनज़ीर को वोट नहीं दिया और ये हार जाएगी. मैं कहा हाजी साहब अगर हार जाएगी तो खैर है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हार जाते हैं लेकिन हम मैदान नहीं छोड़ेंगे. और ये लोग जो हमारे PK-78 के जो वर्कर्स हैं, मैं तो उनको अपने बेटे ही कहूँगी. ये 25 साल दे वर्कड वेरी हार्ड विद बशीर. ठीक है, बशीर ने भी उनके लिए जो कर सकते थे किया, लेकिन ये भी इन्होंने अपनी लॉयल्टीज़ कभी नहीं बदली, उनकी डेथ के बाद भी नहीं बदली. तो मैंने कहा इनको हम किसके सहारे पे छोड़ दें? हाजी साहब वॉज टू ओल्ड कि वो जाके ये इलेक्शन लड़ते. मैंने कहा फैमिली में कोई आ रहा है तो नो बडी वॉज विलिंग, क्योंकि ख़तरा तो था. कई लोग तो इलेक्शन कम्पेन में भी नहीं आए कि जी बहुत ख़तरा है, बम ब्लास्ट होंगे, ये वो. तो बाद में फिर जब उन्होंने देख लिया कि हमने माइंड मेकअप किया है तो फिर देन ही वॉज अ वेरी वेरी बिग सपोर्ट. बस जैसे सबर ने कहा, दो बशीर के बड़े भाई थे, हाजी साहब और इलियास बिलोर साहब. हम दो औरतें थीं और फैमिली की कुछ यंग लड़कियां थीं और एक दानियाल था. बस ये हमारा कुल असासा था फ्रॉम द फैमिली साइड जो हम लेके निकले और साथ हमारे सपोर्टर्स थे. और अब फ्यूचर में अगर दानियाल इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है तो एज अ ग्रैंड मदर, दादी, आप करने देंगी कंटेस्ट? बिल्कुल दूंगी, करने देंगी. आप समझती हैं कि उनको करना चाहिए कंटेस्ट अपने वालिद से? जिसका जिस चीज़ में पैशन होता है ना जी, उसको आप रोक नहीं सकते. और फिर ठीक है, करें, ऑनर की बात है, खुशी की बात है. मैं पता नहीं सकता, अगर वो खिदमत कर सकता है अवाम की तो फिर करना चाहिए. आई थिंक देखिए पॉलिटिक्स इज़ नॉट जस्ट फन एंड गेम्स, देयर इज़ अ लॉट ऑफ जिम्मेवारी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ
जो करता है उसको हार्ड वर्क करने का भी उसमें एक वो आंसर होना चाहिए. ये नहीं कि आप असेंबली गए, कुछ बातें की और आ गए. आपको फिर आवाम के मसाइल, उनके साथ उनकी जो स्ट्रगल्स हैं उनमें भी पार्टिसिपेट करना होता है. तो आई थिंक दानियाल हैज़ दिस पोटेंशियल. एंड फ़िलहाल तो हम अब एज अ टीम जो हमारी एक हमने ये जो एक कदम लिया है, हम इस पे कोशिश कर रहे हैं. मुश्किलात बहुत हैं. मैं ऑपोजिशन में हूँ. गवर्नमेंट का रवैया हमारे साथ काफ़ी करख्त है. जैसे मैंने आपको पहले कहा, जो आई मीन छोटी सी बात है ना, सिविल अवार्ड से भी हारून को वो निकाला गया है. तो डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं पेशावर से पहली इलेक्टेड वुमन हूँ, लेकिन मेरे लिए रास्ते में बहुत ज़्यादा रोड ब्लॉक्स डाले जा रहे हैं. लेकिन क्योंकि मेरी जो टीम है, मेरी जो सपोर्टर्स हैं, उनके हौसले बड़े बुलंद हैं. अच्छा, इसमें फैक्टर जो है वो सिर्फ ANP एंटी ANP सेंटिमेंट आपको लगता है जो कोई बैरियर है वहाँ पर, या आल्सो बिकॉज यू आर अ फीमेल, एक खातून होने वाला एलिमेंट भी है जो आपको बैरियर लगता है? नहीं, आई थिंक तो हमारे सूबे का कल्चर ये है कि खातून होने में जो हकूमती अरकान भी हैं सब बहुत रिस्पेक्ट के साथ और उस तरह से नरम रवैये के साथ पेश हो रहे हैं. जो हम जो इशू फेस कर रहे हैं इन हाउ टू वर्क, वो गवर्नमेंट और अपोजिशन का जो इशू चल रहा वो इशू चल रहा है. इसको मैं जेंडर के बेसिस पे नहीं वो करूँगी. लेकिन मैं जैसे अब अपने देर आर नो फंड्स, देर इज़ नो इनेबलिंग इन्वायरमेंट टू वर्क. हम जो स्कीम्स वगैरह लेके जाते हैं ADP में वो रिफ्यूज़ हो जाती हैं. अब मैं एक स्कूल गई हूँ जहाँ पे बच्चे फटे हुए कालीन पे बैठे हुए हैं, एक कमरे में दो दो क्लासेस पढ़ रही हैं. तो मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं, मैं उनको किसी तरीके से हेल्प नहीं कर सक रही हूँ, जो चीज़ मैं ऑन ग्राउंड भी देख रही हूँ. तो ये मुश्किलात हैं, लेकिन अभी तो बिगिनिंग है. हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसका भी कोई हल निकालेंगे. सही. अच्छा, वैसे आप उस तरह प्रैक्टिकली सियासत में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आप गिर्द गिर्द इतनी सियासत है कि आपसे ये सवाल किया जा सकता है कि आप क्या समझती हैं कि क्यों ANP को दोबारा दूसरी कंजेक्यूटिव दफ़ा है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने मौका नहीं दिया? कहते कुछ बातें कहने की नहीं होती, यू नो बेटर देन मी. कुछ और ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं ना, एक्सटर्नल एलिमेंट्स भी होते हैं जो बहुत चीज़ों के रास्ते रोके जाते हैं. और मेरा ये ख्याल है कि अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देखें तो स्टिल ANP परफॉर्म्ड मच बेटर एज़ कम्पेयर टू दी अदर बिग पार्टीज़. फिर भी हमारी सीट्स भी आईं, बल्दियात में भी हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी. और कुछ लोग जो हारे भी हैं, तो हर जगह जो हमारे MPAs या MNAs हारे हैं तो दे वर नंबर टू विद अ वेरी नैरो मार्जिन. और ठीक है, जहाँ बड़े मार्जिन थे तो वो फिर रीजंस तो पता ही है सबको. अच्छा, पाकिस्तान डे है, जैसे मैंने पहले कहा, बहुत सारी बातें हमने यादें भी ताज़ा करने की कोशिश की. कोई मैसेज, कोई पैगाम, बहुत से लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं. पहले तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी कि हवाला ये योम पाकिस्तान के हिसाब से, आई एम अ कस्टोडियन ऑफ एन ऑर्फनेज, एक यतीम खाना है पेशावर में नोन एज दारुल अतफाल. ये 1956 में इस्टेब्लिश हुआ था. तो ये योम पाकिस्तान हम उन बच्चों के साथ भी मनाते हैं. अब इस दफ़ा हमारे साथ वो इन कोलेब्रेशन ऑफ लायंस क्लब वाले वो कर रहे हैं, तो आप लोग भी ज़रूर वहाँ जाइए. और डिफरेंट चैनल्स भी आते हैं. और मैं यही कहूँगी कि पाकिस्तान हमेशा ज़िंदा और पाबंदा रहे और खुश रहे और आबाद रहे, और अल्लाह इसको दुश्मनों से और दहशतगर्दी से महफूज रखे. पाकिस्तान जिंदाबाद. थैंक यू सो मच जी. अच्छा समर, मैसेज आपसे भी लूंगी, लेकिन उससे पहले जैसे आपने कहा कि बहुत से बैरियर्स हैं, ऑपोजिशन वर्सेस गवर्नमेंट एक सिचुएशन है सूबे में. अगेन एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, ANP की हुकूमत आ जाती है, क्या एडवाइस करेंगी कि कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर आते ही आपकी पार्टी को, आपकी गवर्नमेंट को फोकस कर लेना चाहिए, जहां पर अभी फोकस नहीं है? देखिए, ANP का वन पॉइंट एजेंडा था, पहले भी था और अब भी है, फ्यूचर में भी होगा, एजुकेशन. हमारा जो मेजर पॉइंट था मैनिफेस्टो में, वन डिस्ट्रिक्ट वन यूनिवर्सिटी. हमने 9 यूनिवर्सिटीज एंड 13 कॉलेजेस, लार्ज स्केल कॉलेजेस डेवलप किए थे इन 5 years व्हेन टेररिज्म वाज एट इट्स पीक. एंड बहुत ज़्यादा जो ADP थी वो रिहेबिलिटेशन में लग रही थी, मतलब जो चीज़ें डैमेज हो रही थी, जो लोग जिनकी डेथ्स वगैरह हो रही थी, फिर पुलिस का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करने के लिए. तो लेकिन एजुकेशन के साथ ही हम दो चीज़ें कर सकेंगे. हम अपने माशरे में जो टेररिज्म है, हम इसको बंदूक से नहीं, हम इसको किताब के ज़ोर से काउंटर कर सकते हैं. और दूसरी बात यह कि हम अपने बच्चों के हाथ में कोई स्किल्स देंगे तो
तो वो सही रास्ते पे निकलेंगे और अपने लिए कोई रोजी रोटी कमा के अपने घर वालों की भी जिंदगी में इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इज द आंसर. ऑफ कोर्स. सो एजुकेशन एजुकेशन एंड मोर एजुकेशन, दैट इज द फोकस, दैट वाज द फोकस एंड दैट विल ऑलवेज बी द फोकस. एनी मैसेज जैसे मैंने पहले कहा दैट यू वांट टू गिव टू द पीपल जो सुन रहे हैं आपको? अपना जो मुल्क है इसकी कदर करें, ये हम सब का घर है, ये यहाँ पे हम सब आज़ादी के साथ रह रहे हैं, इज़्ज़त के साथ सर उठा के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आपस में जो हमारे छोटे छोटे इख्तिलाफात हैं ऐसे दिनों पे ऐसे मौक़ों पे हमें पुरानी बातें देखकर इन इख्तिलाफात से निकल के इकट्ठा मूव करना चाहिए ताकि हम अपना अपने मुल्क का अपने बच्चों का फ्यूचर जो है वो बेहतर बना सकें. बिल्कुल. थैंक यू सो मच समर, बहुत शुक्रिया आपका. इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड बहुत शुक्रिया आपका भी. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके. व्यूअर्स, समर बिलोर और निगहत बिलोर से आपने आज के दिन के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू सुनी. प्रोग्राम न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ. अश्विन जमाल को इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.